अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड कप फाइनल में एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया, जिसमें फर्स्ट इनिंग में जब विराट कोहली वॉज ऑन क्रीज तो एक क्राउड में से ही एक बंदा है कि सिक्योरिटी के जितने भी जो भी थी सिक्योरिटी उन सबको तोड़ता हुआ वो इंटर हो गया ग्राउंड में एंड पिच पे भी आ चुका था वो। ही हग विराट कोहली, उन्होंने फलस्तीन के झंडे वाला मास्क उन्होंने लगाया हुआ था एंड शर्ट भी जो उन्होंने वेयर की हुई थी उसमें भी फ्रंट पे लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन एंड बैक पे लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। सो द पर्सन जो भी ये है कि सिक्योरिटी को तोड़ता हुआ आया विराट कोहली को, उसने हग किया, देन है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बट दैट वाज एक है कि ये एक थोड़ा सा नाखुशगवार वाकया पेश आया और सिक्योरिटी पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई इतनी ज़्यादा करक सिक्योरिटी होने के बावजूद किस तरह से वो सिक्योरिटी को ब्रीच करता हुआ पहुँच गया पिच पे। एंड खैर, इसके अलावा बाबर आजम ने आज पोस्ट शेयर की है इंस्टा पे भी और ट्विटर पे भी। सुबह ही खैर उन्होंने शेयर की थी, गोल्फ खेलते हुए उन्होंने अपनी पिक्चर्स लगाई हैं एंड संडे पे, संडे को उन्होंने कट किया हुआ है एंड गोल्फ डे। सो वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा है कि उन्हें पसंद है आफ्टर क्रिकेट गोल्फ खेलना एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी उन्होंने कोलकाता में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोल्फ क्लब में जाके गोल्फ खेली थी और पाकिस्तान में भी लाहौर में वो हमेशा ही गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं और भी खेल मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आते हैं जिसमें टेनिस है, जिसमें स्नोकर भी है। शाहिद आफरीदी के घर पर जब उन्हें इन्विटेशन दिया गया था जब भी ही प्लेड स्नोकर, बट शायद आफरीदी जीत गए थे उसमें स्नोकर में। और है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलते हुए बाबर आजम हमेशा ही नज़र आते हैं एंड गोल्फ इज़ द वन जो ज़्यादा वो खेलते हैं आफ्टर क्रिकेट। और खैर, आज ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री के बाद बाबर आजम ने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस क्रिकेट ऑस, व्हाट अ कमांडिंग विन इन फाइनल। और खैर, इसी तरह की कुछ मिलती जुलती पोस्ट विराट कोहली ने भी लगाई थी व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो बहुत से लोग इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि विराट कोहली की मिमिक किया है या बदला लिया है या कुछ भी किया है। खैर, तो आई थिंक उन्हें इस सब चीज़ों से निकल आना चाहिए, ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल है कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनके कलीग्स हैं, तो वो कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं उनको। और है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ही खैर ऐसा होता आया है जब पाकिस्तान ने भी विन किया था, जब भी वर्ल्ड वाइड है कि सॉरी जब पाकिस्तान ने हारा था इंग्लैंड से, जब भी वर्ल्ड वाइड इंग्लैंड को सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था बिकॉज वर्ल्ड चैम्पियंस आप बने हो। कोई भी टीम खैर वर्ल्ड चैम्पियंस बनती है तो वो डिज़र्व करती है, अप्रिसिएशन डिज़र्व करती है, कॉन्ग्रेचुलेट उसको करना चाहिए। सो दैट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, और उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर आप खैर मेरी बात से एग्री करते हो तो डू कमेंट ब्लो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।